उपमंडल झंडुता के ग्राम पंचायत बरौली कला के गांव बलो की रहने वाली अरिप्ता शर्मा मेडिकल लैब में डिप्लोमा करने के उपरांत रोजगार प्राप्त कर लोगों की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उसकी ग्राम पंचायत बरौली कला के आसपास 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 5000 लोगों को अपने टेस्ट करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था। उसने सोचा कि मेडिकल लैब में डिप्लोमा तो किया ही है, क्यों ना यहां अपने क्लिनिक लैब बनाकर लोगों की सेवा की जाए। इससे उसे भी रोजगार मिलेगा और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन धन अभाव के कारण वह कुछ भी कर पाने में अपने आप को असमर्थ समझ रही थी। उसी दौरान उसने रोजगार स्थापित करने के लिए विकासखंड झंडुता में उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी से संपर्क किया तो उसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली। इससे उसकी खुशी की ठिकाना ना रहा और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और रोजगार के साथ साथ लोगों की सेवा करने का सपना भी साकार होगा। उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी से प्रेरणा लेकर अर्पिता ने अपनी खुद की क्लिनिक लैब खोलने का निर्णय लिया। उसने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक शाखा से लैब मशीनरी के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर उद्योग विभाग द्वारा 3 लाख रुपए का अनुदान मिला। अर्पिता ने उद्योग विभाग तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अधिकारियों के सहयोग से नवंबर 2019 में अपनी क्लिनिक लैब स्थापित की और उसका कार्य सफलतापूर्वक अच्छा चलने लगा और प्रतिमाह 15 से 20,000 रुपए कमाने लगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से न केवल अर्पिता ने अपना व्यवसाय शुरू किया बल्कि 2 लोगों को भी रोजगार प्रदान किया और लोगों की सेवा करने लगी। मेडिकल लैब में प्रशिक्षण प्राप्त अर्पिता आज अपने क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अर्पिता ने बताया कि अब वे रोजगार के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रही हैं। पहले लोगों को क्लिनिक टेस्ट करवाने के लिए 15 से 30 किलोमीटर दूर बरठी और सहतलाई घुमार में जाना पड़ता था। बरौली कला में क्लिनिक लैब स्थापित होने से क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी के साथ साथ समय की भी बचत हुई है। उन्होंने बताया कि लैब में सभी प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। अर्पिता का कहना है कि युवा वर्ग सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय यदि अपना व्यवसाय स्थापित करें तो वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बिलासपुर सदर थाना क्षेत्र के तहत बूट गांव में कुछ लोगों ने गुग्गर जहाटपीर की कार करने आए युवक की बुरी तरह के साथ मारपीट की, जिससे वह युवक चलने फिरने से भी लाचार हो गया। पुलिस ने बहरहाल घायल युवक की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में घायल युवक सुभाष की मां रामप्यारी पत्नी जगदीश निवासी तेरेड़ ने बताया कि उनका बेटा सुभाष सीधा सा है। विगत 5 अगस्त को बूट की तरफ गुग्गा की कार करने जा रहा था। उसने एक घर में पीने के लिए पानी मांगा था। उस घर की एक महिला ने उनके बेटे पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया तथा वहां कुछ लोगों को एकत्रित कर लिया व उसकी डंडों से बुरी तरह मारपीट की। इस मारपीट के निशान उसके शरीर पर बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इस मारपीट के कारण उसका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया है। रामप्यारी ने बताया कि वे अपने साथ मेंबरशिप देई को भी ले गई थी, तब भी उनके बेटे सुभाष के साथ गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग से इस मामले की जांच करने व बुरी तरह से घायल बेटे का मेडिकल करवाने की मांग की है। एएसपी अमित शर्मा ने कहा कि इस मामले पर सदर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है तथा मेडिकल करवा दिया गया है। नियमानुसार कार्यवाही जारी है। सोलन में 2 दिन पहले कुछ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए थे।
कोरोना संक्रमितों में सोलन के व्यवसायी भी शामिल थे। कोरोना संक्रमित कुछ लोग सोलन शहर की दुकानों पर भी खरीदारी करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से सोलन शहर की 9 दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन बंद करवा दिया गया है, जिसके बाद सोलन में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर सोलन के व्यापार पर भी पड़ा है। लोग अपने घरों से निकलना बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में सोलन व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सोलन की जनता को मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है कि वे किसी भी तरह से ना घबराएं, क्योंकि दुकानों को केवल प्रशासन द्वारा एहतियातन बंद करवाया गया है, उनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। शहरवासियों और व्यापारियों को संदेश देते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि शहर में कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, जिसके चलते कुछ दुकानों को एहतियातन बंद करवा दिया गया है, लेकिन वे सभी ठीक हैं और उनमें किसी तरह के कोरोना लक्षण नहीं है, इसलिए शहरवासियों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने व्यापारियों को भी सलाह दी है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी वे बाहरी राज्यों में सामान लेने जाएं और कोशिश ये करें कि दुकान का सामान फोन के माध्यम से ही मंगवा लें। अगर किसी कारणवश उन्हें बाहर जाना भी पड़ता है तो जो नियम प्रदेश सरकार ने बनाए हैं उनका सख्ती से अनुसरण करें। अगर छोटी सी भी असावधानी रखते हैं तो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।